आज मीडिया से चर्चा के दौरान अमरपाटन नगर पंचायत के अध्यक्ष समर सिंह ने कहा, मेरे खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं और ऐसी फोटो वायरल कर रहे हैं जो कि बहुत पुरानी है। मैं हमेशा से दादा भाई के साथ रहा हूं और जीवन पर्यंत रहूंगा। मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। स्थानीय मंत्री की वजह से मेरे कामकाज में भी बहुत दिक्कत आ रही है। मैं जनता का काम भी नहीं कर पा रहा हूं। इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में इतना परेशान हो चुका हूं, लेकिन बिना दादा भाई के आदेश के कुछ भी कदम नहीं उठाऊंगा। उनका आदेश ही सर्वोपरि होगा। मेरे विरोधियों का सदैव यह काम रहा है, जब जब विधानसभा चुनाव आता है तब तक ऐसी फर्जी खबरों को चलवाते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं इन सब खबरों का खंडन करता हूं। मैं कांग्रेस में हूं और दादा भाई के साथ हूं। के खिलाफ काफी न्यूज़ें चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे पर जो सोशल मीडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पूरा मामला? ये हमारे कुछ विरोधी गुट के लोग हैं जो ये पुरानी फोटो थी, बहुत साल पुरानी फोटो थी, उस फोटो को डालकर जानबूझकर हमको बदनाम करना चाहते हैं और परेशान करना चाहते हैं। दादा भाई से हमारी दूरियां बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पुराना कांग्रेसी हूं और जब से मैं जाना हूं तब से कांग्रेस में हूं और दादा भाई के साथ हूं। मेरा जीवन जब तक रहेगा तब तक मैं दादा भाई के साथ ही रहूँगा। यदि राजनीति नहीं भी करूँगा तो भी दादा भाई के साथ रहूँगा। ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं ये गलत है और ऐसी कोई अफवाह नहीं है। मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊँगा और न मेरा कोई भाजपा से दूर दूर तक संबंध। वो लोकल ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं। मैं तो अभी चार दिन पहले उनके खिलाफ बोला हूँ कि उनके वजह से नगर पंचायत अमरपाटन में कोई विकास नहीं हो पा रहा है। वे मैं चुनाव जीत के आया, दो महीने में श्रीवास्तव इंजीनियर का ट्रांसफर करा दिए। जब एक इंजीनियर आया तारे शुक्ला तो सीएमओ का ट्रांसफर करा दिए। फिर इसके बाद प्रभारी सीएमओ लाए। फिर जब तक मैं वो दो तीन महीने में सेट हुआ तो मतलब तालमेल बना तो दूसरा सीएमओ आ गई, सुषमा मिश्रा आ गई। वो काम ही नहीं करने देते हैं। उनके साथ कोई मीटिंग लेने का सवाल नहीं है। एक साल से हो गया, अभी कोई काम नहीं कर पाए हम। पूरी अमरपाटन की जनता का विकास नहीं हो पा रहा, ना हम कोई काम कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने ये बोला था मुझे परेशान किया जाएगा और मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा तो कुर्सी लेकर मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। मैं इस्तीफा दे सकता हूँ अपने दादा भाई से। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, उनसे राय लेकर यदि उनकी उनकी इच्छा होगी वह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा और ना उनके आदेश के विरोध में कभी नहीं जाऊंगा। जो वो कहेंगे वही करूंगा और उनके साथ जीवन तक रहूंगा अपने साथ कांग्रेस में। समर सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत अमरपाटन।